हेलो स्टूडेंट, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है, इसका मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। ये इससे पहले भी एक मैंने एग्जांपल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इस वीडियो में देखता हूँ, इसमें ऑलरेडी आपको फार्मूला देख चुके होंगे अगर फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा तो देख लो, सिंपल सा क्या है आपका, एफ अल्फा प्लस यू एच, ठीक है, एफ अल्फा प्लस यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ अल्फा, देन यू यू प्लस वन डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ अल्फा, देन यू यू प्लस वन यू प्लस टू, देन डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस। इतना से आपका ये आगे चलता रहेगा, यहाँ पर यू प्लस टू तक आया है, यू प्लस थ्री तक आ जाएगा, यू इतना यहाँ नेक्स्ट वाला अगर देख रहा हूँ तो क्या होगा आपका, यू यहाँ पर नेक्स्ट वाला मैं लिख देता हूँ, यू यू प्लस वन यू प्लस टू यू प्लस थ्री डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल, देन मल्टीप्लाई बाई आपका फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एल अल्फा, ठीक है। इस तरह से आगे ये आपका मूव करता रहेगा। तो ऑलरेडी पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, इस पैटर्न से थ्रू आप जो है इस फार्मूला को याद कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये कुछ ये गिवन है हमारे पास कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमको फंक्शन नहीं मालूम फंक्शन कौन सा है, ठीक है। फंक्शन में हम जीरो जब पुट किए तो हमको वैल्यू वन मिली, वन पुट किए तो 1.5 मिली, टू पुट किए तो 2.2 मिली, थ्री पुट किए 3.1 मिली और फोर पुट किए तो हमको 4.6 मिली। ये पूछ रहा है कि ये बताइए अगर फंक्शन में 3.8 पुट करते हैं तो एस्टिमेट करिए कि लगभग वैल्यू कितनी आई होगी, ठीक है, कितनी आएगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये इसमें ध्यान देना होगा कि इसमें पहले हम बैकवर्ड लगाएंगे कि फॉरवर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू जो है आपकी लास्ट से पहले के दी हुई 3.8 आपका 4 से पहले आएगा और 3 के बाद आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लास्ट से वैल्यू दी हुई है, जिसका मतलब है आपको यहाँ पर बैकवर्ड सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका बैकवर्ड का पूरा टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाएंगे तो आपका टेबल बनाते हैं तो यहाँ चलो इसमें फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई निकालते हैं। तो ये पहले इसको इससे 4.6 माइनस 3.1 करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 1.5। देन 3.1 माइनस 2.2 करेंगे तो हमको मिलेगी 0.9। देन 2.2 माइनस 1.5 करेंगे तो हमको मिलेगी 0.7। देन 1 ये यहाँ पर 1.5 माइनस 1 करोगे तो हमको 0.5 वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस हुआ तो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं हम। जिसको भी बैकवर्ड डिफरेंस क्लियर नहीं है तो आप उसका एक बार बैकवर्ड डिफरेंस का वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे निकाला जाता है। जैसे निकाला वैसे निकाला जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल देखो, वीडियो देखो। 1.5 माइनस 0.9 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0.6 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 0.9 माइनस 0.7 करेंगे तो हमको 0.2 मिलेगा। देन यहाँ पर सेम यहाँ पर 0.2 ही मिलने वाला है। अब थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस में इसको सेपरेट करेंगे तो हमको 0.4 मिलेगा और यहाँ पर 0 मिल जाएगा। देन फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस में आपको 0.4 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे फार्मूला देखो, हमको अल्फा प्लस यू एच है तो यहाँ पर अल्फा वैल्यू किसको लेंगे, तो अल्फा वैल्यू इसको लिया जाता है जिसके पहले बैकवर्ड निकाल दो, बैकवर्ड थ्रू आप यूज कर दो, जिसके पहले वैल्यू आती है उसको अल्फा लेते हैं। फॉरवर्ड अगर होता है फॉरवर्ड में जिसके बाद में वैल्यू आती है उसको लेते हैं। तो बैकवर्ड अभी हमारा है तो जिससे पहले फोर से पहले आ रही तो फोर को ही हम जो है वो अल्फा ले लिया जाएगा। तो अल्फा हमारा क्या हो गया, वो हमारा फोर हो गया, ठीक है। एच मतलब इंटरवल होता है, कितने का इंटरवल है, तो यहाँ जीरो से वन एड वन वन का जो गैपिंग है तो वन वन का गैपिंग है तो एच हमारा क्या हो जाएगा, वो वन ही हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर 3.8 का निकालना है, तो इसका मतलब है अल्फा प्लस यू एच जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका फार्मूला में, एफ अल्फा प्लस यू एच, तो ये पूरा जो वैल्यू आपकी जो हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, 3.8, ठीक है। ये पूरी वैल्यू क्या है, 3.8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको अल्फा की वैल्यू 4 मालूम है और प्लस यू की वैल्यू हमको फाइंड करना है और एच की वैल्यू क्या आपके पास, वो 1 है, ठीक है। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर हमको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी यू की वैल्यू, वो मिलेगी माइनस 0.2 मिलेगी, ठीक है। ये वैल्यू हमको यू की वैल्यू मिलेगी। अब इसको हम क्या करते हैं, फार्मूला रखते हैं। तो फार्मूला रखने के सबसे पहले क्या, हमको अल्फा इसको माने हैं तो हमको जो ये केवल इतनी वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, इतनी ही वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है।
ठीक है। अब देखो, अब चलो सॉल्व करते हैं, फार्मूले में वैल्यू रख रख के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला क्या है, एफ अल्फा, एफ अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ करता हूँ, एफ अल्फा की वैल्यू क्या है 4.6, यहाँ पे एफ अल्फा की यही वैल्यू है ना 4.6। तो हमारा यहाँ पर क्या है एफ 3.8 इक्वल टू हमारा एफ अल्फा लिखेंगे तो 4.6 हो गया। देन प्लस यू, यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, प्लस माइनस 0.2 है, तो इसकी यू की वैल्यू जो है 0.2 हो गया। देन फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ अल्फा, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ अल्फा क्या आपके पास है, वो 1.5 है, ठीक है 1.5 है। देन प्लस देन है यू यू प्लस 1, यू 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 की वैल्यू क्या है आपकी 0.2, ठीक है। देन 0.2 माइनस 0.2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और यू देन सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ अल्फा, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ अल्फा हमारे पास क्या है, वो सेकंड का टेबल है ना, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस क्या आपके पास है वो 0.6 है। तो यहाँ पर 0.6 प्लस, अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो यू यू प्लस 1, यू प्लस 2, देन यू की वैल्यू माइनस 0.2, माइनस 0.2 प्लस 1, माइनस 0.2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और आपका थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस क्या आपके पास है वो आपका, इधर थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस है आपका वो 0.4 है, तो यहाँ पर 0.4, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक और ऐड हो जाएगा यहाँ पर 0.2, प्लस 3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऐड करते हैं तो यू, ठीक है, देन U प्लस 1, देन U माइनस प्लस 2, देन प्लस 3, ठीक है 0.2 है यहाँ पर, और डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे थर्ड तो फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस क्या आपके पास है वो 0.4 ही है, तो यहाँ पर 0.4 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करनी। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको अप्रॉक्सीमेट जो मिलेगी वो 4.21936। मैं इसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ, इसलिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। कैलकुलेट कर, अगर कैलकुलेट करूँगा टाइम ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, आप कैलकुलेटर का यूज जानते हो, आराम से इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सिंपल सा, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, फार्मूला याद है, बाकी कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हो, ईयरली आपका सारा वीडियो वो सारी कैलकुलेशन हो जाएगी और आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर चेक करना है क्या आपका सही है कि नहीं सही है, तो आप इसी बात देखो, आपको जो आंसर मिला है वो 4.21936 मिला है, तो मतलब तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है 4.6 से पहले और 3.1 के बाद में, तो इसी बात से आपका कैलकुलेशन जो है वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप सॉल्व कर सकते हो। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।